नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ई अधिवेशन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आज लगातार ई अधिवेशन के जरिए हम कोरोना को लेकर जो समस्याएं हैं उसको उठा रहे हैं। जिलेवार तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ वो चुनौतियां रही जिसको जिलेवार स्तर पर फेस किया गया, और अब आने वाले समय में किस तरीके से उन चुनौतियों पर काम किया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर भी लगातार संभावना बनी हुई है। ऐसे में आज के समय से सबक लेकर आने वाले समय के लिए तैयारियां क्या कुछ है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे खास मेहमान के जरिए। तो इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बस्ती के मंडलायुक्त अनिल सागर जी। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ई अधिवेशन में। थैंक यू अनिल जी। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालातों में सुधार देखने को मिला है, कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काबू में आती हुई सी नजर आ रही है, तो वहीं बस्ती की अगर हम बात करें तो फिलहाल वहां पर कोरोना को लेकर क्या कुछ हाल है, वहां के हालात क्या कहते हैं? देखिए, बस्ती मंडल के जो जिले हैं उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग ज्यादा ज्यादा करें जी, ताकि जैसे जैसे हम लोग टेस्ट ज्यादा करते हैं ये पकड़ में आता है कि हमारे जिले में मंडल में पॉजिटिविटी रेट क्या है। तो जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जो हमारा पॉजिटिविटी रेट एक समय बढ़कर 15% 20% तक पहुंच गया था, वो अब घटकर 2 से लेकर 5% तक आ गया है विभिन्न जिलों में। अब हमारा जो मेन फोकस है वो दो चीजों का फोकस है। एक तो जो संक्रमण है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ना फैले, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिनको सांस लेने में दिक्कत है या कुछ भी दिक्कत है, उनको हम दवाइयों का पैकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो दे रहे हैं, ताकि उनका तुरंत इलाज शुरू हो जाए और संक्रमण बढ़ने से बच जाए। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाना बहुत आवश्यक है जी। और उसके लिए आवश्यक है कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब एक मरीज से कितने मरीजों तक फैल सकता है, उस चेन को कंटेन किया जाए। तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, ताकि ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोरोना से संक्रमण उनको हो गया है या लक्षण वाले हैं, उनको पहचान कर लें और उनको टेस्ट कर लें, उनको अलग कर दें। इससे होगा ये कि जो हमारी चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। अब तीसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो होती है इलाज की, कि कोरोना के मरीजों का इलाज कैसे चल रहा है जी। अब पहले जो आपने भी देखा होगा, पहले ऑक्सीजन की कुछ शॉर्टेज थी जो अब मीट आउट हो गई है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के बेड्स भी अवेलेबल हैं। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, वहां का भी रेगुलरली विजिट करते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो रियल टाइम लोगों के बीच में प्रसारित होती रहे। आज मैं भी सिद्धार्थनगर गया था, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी देखा था, वहां पर जो उनका कोविड हॉस्पिटल है वो भी देखा था, और वहां पर पर्याप्त बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं ऐसे मरीजों के लिए, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या ना हो। इसके लिए हमने कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के ऑर्डर्स दिए थे, पीएम केयर फंड से भी दिए थे, और कुछ कंपनीज भी थी जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया था। तो हमारे पास अब लगभग मंडल में 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ चुके हैं, नए आए हैं, पहले से जो थे वो तो है ही। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम केयर्स फंड में सीएसआर में हमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी सैंक्शन किए हैं। तो हमारे मंडल में 12 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट्स विद इन द नेक्स्ट 15 to 30 days लग जाएंगे। और इससे ये होगा ये कि जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, कुछ ऐसे सीएचसीज भी हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे सीएचसी डुमरियागंज है, सीएचसी हरैया है, जो काफी बड़े बड़े एरियाज हैं, काफी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करते हैं, वहां पर भी हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी लगवा रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी भेजा है हमने जी। तो अब होपफुली ये वेव देख रहे हैं, जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन फिर भी हम लोग सतर्कता पूरी बरत रहे हैं
ताकि कहीं से भी संक्रमण वापस ना आ पाए। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर जो तमाम सुविधाएं आम जनता के लिए आप कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे भी। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है अनिल जी कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार जो कवायद यहां पर उनकी तरफ से जारी है, सुविधाओं को लेकर गाइडलाइंस लगातार जारी की जाती रही है, लेकिन जिले स्तर पर जिला प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती कि हर व्यक्ति तक, खासतौर पर जो हर जरूरतमंद है, जो मरीज है, उस तक वो सुविधा पहुंचे। जो पूरा रोड मैप तैयार किया जाता था उसमें कितनी परेशानियां आई, क्या अब भी परेशानियां आ रही है या फिर अब वर्क स्मूथ हो चुका है? देखिए, नई बीमारी थी, सब लोग एक तरह से नए थे इस चीज को जूझने में जी। तो शुरू शुरू में जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो हर एक चीज में होती हैं, बट द गुड थिंग इज कि जो टीम थी उसने एक टीम स्पिरिट के रूप में लिया, टीम वर्क के रूप में लिया। अब चीजें काफी स्मूथ आउट हो गई हैं, लोगों को अपनी अपनी ड्यूटीज, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम है। जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब यहां पर ऑक्सीजन के काफी मरीज आने लगे थे तो हमारे पास चुनौती ये थी कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बनाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी जनपदों से लाएं, लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति गोरखपुर से और अयोध्या से सुनिश्चित की जाए। तो इसके लिए पूरा एक टीम वर्क बनाया गया, वो टीम अभी भी चल रही है, 24 घंटे काम कर रही है, डिफरेंट शिफ्ट में उनको बांटा गया है। और अब लोग जानते हैं कि अब कहां पर कितने सिलेंडर्स भेजने हैं, चाहे वो जिला अस्पताल में हो, चाहे एम्बुलेंसेज में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, उनको मालूम है कि कहां पर क्या करना है। इसके अलावा हम लोग प्रचार प्रसार पर भी अब थोड़ा और जोर दे रहे हैं ताकि अगर अभी भी लोगों को भ्रांति हो, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, दूर हो जाए, ताकि अब क्योंकि ये लड़ाई अब थोड़ी आगे लंबी चलेगी, इसलिए लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है इस लड़ाई में। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों का सपोर्ट भी और हासिल किया जाए। जी बिल्कुल, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या फिर पिछले लगभग एक डेढ़ साल से अनिल जी जो दौर हमने देखा उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज ने अदा की है तो वो है सहयोग। फिर चाहे वो एक टीम के तौर पर आप सभी का सहयोग हो, समन्वय जो बैठाना होता है एक टीम में वो हो, या फिर आम जनता का सहयोग, उसके बिना किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन हो पाना बहुत मुश्किल यहां से मैं समझती हूँ। अनिल जी, बहुत बड़ी चुनौती कालाबाजारी को लेकर भी सामने आई होगी क्योंकि अब ब्लैक में जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर यहां पर सप्लाई हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शंस नीडी है, जो जरूरतमंद है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा था, और उसको लेकर अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, एक्शन भी आप लोगों की तरफ से देखा जा रहा है, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क रहा? देखिए, हमने ये प्रयास किया था कि जो छोटी छोटी दवाइयां हैं जैसे पैरासिटामोल टाइप्स है, शुरू शुरू में ये दिक्कतें भी आ रही थी, कुछ लोगों हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके आए थे कि पैरासिटामोल नहीं मिल रही है जी। तो हमने एसी जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं और ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके माध्यम से तो सारी दवा की दुकानों को चेक कराया ही था। इसके अलावा हमने मजिस्ट्रेट्स और फोर्स भी भेजी थी उन दवा की दुकानों को चेक करने के लिए, ये इंश्योर कराया था कि जो वायरल मेडिसिन हैं और जो एंटी बैक्टीरियल हैं, नॉर्मल मेडिसिन लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, वो दवा की दुकानों पर अवेलेबल रहें, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर दवा की दुकानों पर अवेलेबल रहें। और जैसा आपने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन शुरू के दौर में थोड़ी शॉर्टेज थी, लेकिन अब गवर्नमेंट से सप्लाई रेगुलरली आ रही है रेमडेसिविर की। इसके अलावा एक जो चीज यहां पर देखी गई थी, दो चार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में शिकायत मिली थी कि वो ऑक्सीजन ज्यादा दाम पर दे रहे हैं, तो वहां पर उन पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और उन हॉस्पिटल्स को सील भी किया गया था। तो हमने ये प्रयास है कि हमें निरंतर जानकारी मिलती रहे पब्लिक से कि कहां पर पब्लिक को दिक्कत हो रही है, ताकि हम वहां पर एक्शन लेकर उस चीज को सही कर सके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो अनियमितताएं देखने को मिल रही थी, फिर चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर भी हो या फिर अस्पतालों के तौर पर भी हो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर मैं समझती हूँ कि जिला प्रशासन के लिए जरूर रही होगी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यूज के दौरान भी देखने को मिली, जहां पर लोग लगातार लापरवाह बने रहे। एक तरफ तो आपको कोरोना महामारी के लेकर जो तमाम सुविधाएं हैं उसको भी सुनिश्चित करना है, और दूसरी तरफ लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे थे, किस तरीके से बैलेंस बिठाया? देखिए, आदमी जानता है कि महामारी है, आदमी की जब जरूरत होती है तभी महामारी में निकलता है। अब तो हम लोग निकल रहे हैं फील्ड में, तो ये देख रहे हैं कि
इवन गांव स्तर पर भी लोग अगर बहुत जरूरी है तभी निकल रहे हैं। शुरू के दिनों में थोड़ी लापरवाही थी, लेकिन जैसे जैसे मीडिया में ये सब खबरें आने लगी कि महामारी बहुत बड़ी है, तो लोग भी थोड़ा संभले उसके बाद और खुद ही उन्होंने काफी पालन किया। शुरू के दिनों में जब शादियों का सीजन था तब थोड़ी खरीदारी भी मार्केट्स वगैरह में ज्यादा थी, तब लोगों को बहुत समझाना भी पड़ रहा था, चाहे वो लाउड हिलर्स के माध्यम से हो, चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से हो, चाहे वो पुलिस वैन्स के माध्यम से हो। कोशिश ये कर रहे थे कि हम समझाने का रोल ज्यादा अदा करें और हमें चालान वगैरह की कार्रवाई थोड़ी कम करनी पड़े। हमारा ज्यादा जोर रहा था लोगों को समझाने पर, और अब देखने को मिल रहा है कि अब लोग स्वयं ही उन रूल्स का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप घर पर ही रहें ताकि वो अपनी जान को तो बचाएंगे और दूसरों के लिए जो रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है उसको भी कम कर सकेंगे। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसा वाक्य आप हमसे शेयर कर सकें कि ऐसे किसी प्रकार के लोगों को आपने एनकाउंटर किया हो और उनको समझाने के लिए किसी खास रास्ते का या फिर उपाय का आपने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि हमने पुलिसकर्मियों की ऐसी बहुत तस्वीरें देखी है जहां पर सबने अलग अलग स्तर पर लोगों को जागरूक किया है। हाँ, यहाँ पर भी जैसे लोगों के पास मास्क नहीं थे तो हमारे पास कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हमने रखे थे जिनके पास मास्क हो, और वो फ्री में मास्क बांट रहे थे लोगों को, जस्ट टू गिव ए मैसेज कि मास्क जरूरी है। एक एक तो होता है कि हम डंडा चला के लोगों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हो कि डंडा चलाने से बहुत दूरगामी परिणाम नहीं होते हैं। तो एक तरीके से एक गांधीगिरी टाइप का था कि हम लोग मास्क बांट रहे हैं कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, मास्क बहुत जरूरी है और वो मास्क पहनकर ही निकले वो। बिल्कुल अनिल जी, जो एक छवि पुलिसकर्मियों की या बड़े अधिकारियों की लोगों के जहन में होती है, उस छवि को बिल्कुल बदलते हुए इस दौरान हमने देखा, जहां पर पुलिसकर्मियों ने बहुत ही समझदारी के साथ इस पूरी परेशानी को डील किया और लोगों को समझाने के लिए भी अलग अलग उपायों का इस्तेमाल किया। अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, राज्य सरकार जिस तरीके से लगातार राज्य में सुविधाओं को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर, पॉलिसीज को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, अलग अलग जिलों के लिए यहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि राज्य के लिए तमाम जिले जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी जिले की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा होती है, किसी जिले की आवश्यकता थोड़ी कम होती है। खासतौर पर मैं बस्ती की अगर बात करूं तो उस क्षेत्र में क्या कभी आपको लगा कि कुछ कम रह गया और उसको किस तरीके से आपने मेंटेन फिर किया? देखिए, बस्ती जो जिला है वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश का जिला भी है, मंडल भी है, और इसके आसपास दो बड़े केंद्र है, एक केंद्र है गोरखपुर, दूसरा केंद्र है अयोध्या। यहाँ से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है जी। तो नेचुरली ज्यादातर फोकस लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ ही रहेगा। ऐसे में यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मरीज भी है, कोई गंभीर मरीज भी है, तो वो कोशिश करता है लखनऊ जाने का या अयोध्या जाने का या गोरखपुर जाने का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर थोड़ा संसाधन कम है, लेकिन मैंने ये महसूस किया स्टेट गवर्नमेंट से जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है कि मैंने जितनी भी डिमांड्स रेज करी यहाँ पर कि मुझे अपने हॉस्पिटल्स के लिए इतना लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए या इतने रेमडेसिविर के इंजेक्शन चाहिए या इतने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स चाहिए, तो लोगों ने आगे बढ़कर मुझे जो मैंने मांगा था उससे ज्यादा मुझे दिया। जैसे मैंने जब मरीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे थे तो मैंने अपने पूरे मंडल के लिए ऑलमोस्ट वन ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर एवरी टू डेज मांगा था, जो मुझे ऑलमोस्ट उसी दिन सैंक्शन हो गया। अगले दिन मेरा लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर अंबेडकर नगर से यहाँ पर आ भी गया और उस दिन के बाद से यहाँ पर रेगुलरली लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है जो हम अपने हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी हमने शुरू में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड की थी वो भी मीट आउट हो गई। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, मैंने ये कहा था कि बाकी जनपद तो अपना सप्लाई लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लिक्विड ऑक्सीजन से मीट आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत दूरस्थ जनपद है, हम कैसे करेंगे। तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली ने काफी सपोर्ट किया और स्पेशली बस्ती मंडल में 12 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन कर दिए।
जी बिल्कुल अनिल जी, और जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा है और अब ये बीमारी पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण अंचल को अपने जद में लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा संसाधन उस वक्त नहीं थे, लेकिन आज के ताजा हालातों की मैं बात करूं, चूंकि आने वाले समय के लिए भी हमें यहां से तैयार रहना है और गाँव के लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि कोई भी बीमारी है तो तुरंत वो बड़े शहर का रुख कर सके, ऐसे में व्यवस्था अब क्या कुछ की गई है क्योंकि कोरोना महामारी अब गांवों को जद में लेती हुई। उसमें गांव में व्यवस्था ये की गई है, एक तो नंबर वन गांव वालों को समझाना कि बीमारी क्या है और उनका उसका प्रसार कैसे रोक सकते हैं, और दूसरा कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली ट्रीटमेंट क्या है, ताकि अगर गांव में सिम्टम किसी आदमी को दिखाई पड़े तो वो ट्रीटमेंट तत्काल शुरू कर दे। तो दो चीजों पर फोकस है। उसमें प्रचार प्रसार के बारे में मैंने आपको बताया कि अब हम प्रचार प्रसार के काफी अभियान गांव स्तर पर भी कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि मास्क हमेशा पहनना है, लोगों को बताएं कि 6 फीट की दूरी हमेशा बना के रखनी है, लोगों को बताएं कि हमेशा साबुन से हाथ धोते रहना है। तो ये चीजें हैं जो हमारी प्रचार प्रसार वाली हैं, लगातार चल रही हैं। उसमें होर्डिंग्स भी हम लोग लगवा रहे हैं, वॉल राइटिंग भी करवा रहे हैं, प्रधानों के माध्यम से जो हमारे नए चुनकर आए हैं उनके माध्यम से गांव में एक मैसेज देने का ही प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं जिसको हम निगरानी समिति कहते हैं वो भी घर घर जा रही हैं, लोगों को बता रही हैं। ये तो रही प्रचार प्रसार की बात। दूसरा जो अर्ली ट्रीटमेंट की बात है, उसमें ये किया गया है कि हर ब्लॉक एक एक विकास खंड का एक बड़ा सा मेडिसिन का पैकेट बनाया गया है, जिसमें छोटे छोटे मेडिसिन के पैकेट्स बना दिए गए हैं, और उस मेडिसिन के पैकेट में यह भी लिख दिया गया है कि मेडिसिन लेने की विधि क्या है, आइवरमेक्टिन लेने की विधि क्या है, पैरासिटामोल लेने की विधि क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन लेने की विधि क्या है, विटामिन्स लेने की विधि क्या है, उसे पूरा लिख दिया गया है और पूरा समझा दिया गया है कि कोर्स क्या क्या है, कितने दिन के अंतराल पर कौन सी गोली खानी है। तो ये अर्ली ट्रीटमेंट है। अगर हम केवल इन दो चीजों को कर ले जाएं कि हम एक तो लोगों को जागरूक कर ले जाएं और लोगों को बता दें कि अपने घर में ही कैसे कोरोना का अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके प्रसार को रोकने में हम काफी हद तक काबू पा लेंगे। बिल्कुल, जानकारी और जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी जानकारी हो और सही समय पर किस तरीके से इलाज यहाँ पर लेना है, कौन सी दवाइयां खानी है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बखूबी अब मंडल में आपके तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अनिल जी, साथ ही बड़ी चुनौती वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया बाधित होती हुई नजर आ रही है। बस्ती मंडल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्थिति क्या कुछ है? पहले तो लोग कंफ्यूज हैं वैक्सीन को लेकर, दूसरा भ्रमित है, और तीसरा वैक्सीन की कम खेप पहुंचना, स्लॉट्स की बुकिंग ना हो पाना, इस तरीके की तमाम शिकायतें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जो जहां तक वैक्सीन का यहाँ प्रश्न है, बस्ती मंडल में ज्यादातर कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है, तो हम लोगों ने जितने भी सेशंस बुक किए हैं वो कोविशील्ड वैक्सीन के ही हैं। अभी तक 45 प्लस का यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा था, लेकिन अब आज से बस्ती जिले में स्पेशली 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, और पहले ही दिन हमारे सारे स्लॉट्स बस्ती जिले में 18 प्लस के बुक हो गए थे, वो स्लॉट्स आगे कुछ दिन तक बुक हैं। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जनपद मुख्यालय ही नहीं बल्कि हमारे जितने सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, उनको भी वैक्सीनेशन हम सेंटर्स बना रहे हैं, ताकि गांव वालों को बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े वैक्सीनेशन के लिए। जो ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं और उनको पर्याप्त समय हो गया है सेकेंड डोज लेने के लिए, उनको हम अपने हमारा जो कमांड सेंटर बना हुआ है जिले लेवल पर, वहां से फोन भी करवा रहे हैं कि आपने फर्स्ट डोज जो है वो इस समय लिया था, अब आपका पर्याप्त समय बीत चुका है, अब आप आकर सेकेंड डोज ले लीजिए। तो ऐसे लोग जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ केयर वर्कर्स थे, और जो एल्डरली सिटीजन्स थे जो फर्स्ट डोज ले चुके थे, वो अब सेकेंड डोज भी लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं इस समय वो लोगों को तत्काल मिल जाए, ताकि हम और वैक्सीन की डिमांड स्टेट गवर्नमेंट से कर सकें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रक्रिया से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और जितना जल्दी हो सके जोड़ा जाए, जिससे कि आने वाले खतरे से कम अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को सुरक्षित कर सके। साथ ही अनिल जी, लगातार खतरा थर्ड वेव को लेकर भी बना हुआ है, और ये जो दौर हमने देखा कहीं ना कहीं इतना घातक ये वेरियंट था कि समय ही नहीं मिला
पंचायत संभालने का या फिर व्यवस्थाओं में भी जो कमी देखने को मिली वो भी चिंता का विषय थी। अब यहां से सबक लेकर आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ प्लानिंग यहां पर की गई है? तो थर्ड वेव का जहां तक थर्ड वेव का प्रश्न है तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के लिए थोड़ी घातक होगी। वो इसलिए घातक होगी क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है। अभी जो वैक्सीनेशन हुआ है वो केवल 18 प्लस का और 45 प्लस का ही हो पाया है और वो भी क्रमिक चल रहा है। तो जो बच्चों पर जहां तक बच्चों का अब हमें टेक केयर करने की जरूरत पड़ेगी तो हमने अपने जितने भी CHCs हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स को फिर से फंक्शनल हम लोग कर रहे हैं। वहां पर जो हमारे पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स हैं उनको हम लोग फंक्शनल कर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे इंक्यूबेटर्स वगैरह भी हैं जो हमारे सारे सारे जिला अस्पताल और CHCs में अवेलेबल हैं, उनको हम लोग ठीक कर रहे हैं ताकि उनका भी हम लोग यूज कर सके। इसके अलावा जो हमारे स्टाफ नर्सेस, डॉक्टर्स, एनेस्थीसिस्ट, जो ऐसे डॉक्टर्स बचे रह गए थे जो फार एरियाज में काम कर रहे थे, उनकी हम लोग दोबारा फिर से रीओरिएंटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जैसे जैसे अगर थर्ड वेव आती भी हो तो हम उनको भी यूज करके उनको भी इस काम में लगाकर और अच्छी तरीके से इस अभियान को चला सके। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि तमाम तैयारियां की जाए और खासतौर पर चूंकि बच्चों पर आने वाले समय में खतरा मंडरा सकता है तो उसको लेकर अभी से कमर कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनिल जी, एट द सेम टाइम ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरे वेव के लेकर भी आपने तैयारियों का यहाँ पर जिक्र जरूर किया, लेकिन अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी लगातार उत्तर प्रदेश को अपने जद में ले रही है, वहां को उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और खासतौर पर जागरूकता जो कि बार बार हम उसको एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है, उस लिहाज से भी बस्ती मंडल में क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, जहां तक ब्लैक फंगस का प्रश्न है तो उसके संबंध में क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है तो एक एंटी फंगल ट्रीटमेंट है जो इसके लिए लाभदायक होता है। अनफॉर्चुनेटली वो मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमने डिमांड करी है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो मेडिसिन हमें अवेलेबल कराएं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए तो उसमें ये पता लगा था कि जो ये मॉइस्चर है अगर वो कहीं पर रह जाता है, वेदर इट इज गिवन थ्रू ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेदर इट गोज थ्रू अ वेंटिलेटर, तो उसमें सफाई रखने की बहुत जरूरत होती है। तो हम लोग ये इम्प्रेस कर रहे हैं कि जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में या वेंटिलेटर में उसको हम पीरियोडिकली चेंज करते रहें और अच्छा डिस्टिल्ड वाटर उसमें रखें ताकि उसमें फंगस जैसी चीज ग्रो करने की संभावना ना रह सके। दूसरा, जैसी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर मशीन ट्रांसफर होती है तब उसको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाए ताकि अगर किसी पेशेंट में इस तरह का कोई संभावना बची भी रह गई हो तो उसके ट्रीटमेंट के तुरंत बाद वो संभावना अगर सैनिटाइज प्रॉपरली उस मशीन को कर दिया जाएगा दूसरे पेशेंट पर चढ़ाने से पहले तो ब्लैक फंगस पर हम लोग मतलब जितनी भी इन्फेक्शन है इस तरह के उस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे, सतर्कता के साथ ही बचाव किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, बस्ती मंडल वासियों के लिए क्या कुछ संदेश आप यहां से देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम लोग आपकी सेवा के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम पर भरोसा रखें। पहले की अपेक्षा काफी स्थितियों में सुधार हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग भी इंक्रीज करें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीनेशन भी इंक्रीज करें। अगर बस्ती मंडल में किसी भी वासी को ये कोई शिकायत प्राप्त होती है कि कहीं पर ओवर रेटिंग की जा रही है या कहीं पर चीजों की कालाबाजारी हो रही है तो हमें तत्काल बताएं और हम उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर किसी भी तरीके का लूप होल ना रहे और एक बैलेंस जो बना आप चल रहे हैं वो भी आगे यूं ही कंटिन्यू और निरंतर चलता रहे। बहुत शुक्रिया अनिल सागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, कौन सी चुनौतियों का आपने सामने किया और आने वाले समय में जनता के लिए सुविधाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो कोरोना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था अब उसकी रफ्तार पर रोक जरूर लग रही है, थोड़ा सा ब्रेक जरूर लिए रखा है, लेकिन अभी भी आपको लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें, अपना स्लॉट बुक करवाएं और वैक्सीन जरूर लें। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप मेरे साथ बने रहिए, इंडिया न्यूज पर ई अधिवेशन का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।